हाय गाइस, क्या आपको भी मेरी तरह कैफ़ेज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको लेके चलती हूँ दिल्ली में एक ऐसी जगह जो अपने कैफ़ेज़ के लिए और अपने फूड के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मजनू का टीला की, जो रिसेंटली डेज में काफ़ी फेमस हो चुका है अपने कैफ़ेज़ के लिए और अपने तिब्बतन वाइब के लिए। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मजनू के टीला के कौन से 10 बेस्ट कैफ़ेज़ हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जहां पे आपको बेस्ट एम्बियंस से लेके बेस्ट फूड से लेके बजट में आप कहां पे क्या क्या खा सकते हैं, आप कहां पे नेपाली फूड ट्राई कर सकते हो, कहां पे तिब्बतन फूड ट्राई कर सकते हो, कहां पे कोरियन फूड ट्राई कर सकते हो, कहाँ पे आप चाइनीज़ फूड ट्राई कर सकते हो और कहाँ पे आपको थीम्ड कैफ़े देखने को मिलेंगे मजनू के टीला में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी हो। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज श्रद्धा। और हाँ, ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरा पहला कैफ़े और मेरा फेवरेट कैफ़े है जिसका नाम है आमा कैफ़े। और मेरा ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि यहाँ के पैनकेक्स, यहाँ की पेस्ट्रीज़, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ का पिज़्ज़ा बेस्ट है। तो अगर आप ब्रंच या ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह चाहते हैं तो आमा कैफ़े इज़ बेस्ट। इवन इनके चीज़ी फ्राइज़ भी बहुत यम है। सो आप यहाँ पर कुछ भी ट्राई कर सकते हो, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो यहाँ पर काफ़ी वेटिंग रहने लगी है, सो अगर आप यहाँ पे आओ तो प्री बुकिंग करा कर आना। तो सेकंड कैफे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जिसका नाम है थक थकाली, और एक नेपाली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको नेपाली स्टाइल में फूड मिलेगा। इवन इनका सीटिंग एरिया भी बिल्कुल ऑथेंटिक वे में है। अगर आपको नीचे नहीं बैठना है तो दे हैव चेयर वाला भी एरिया, सो आप वहाँ भी बैठ सकते हो। आपको यहाँ पे ऑथेंटिक नेपाली फूड खाने को मिलेगा। सो अगर आप नेपाली फूड में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। थर्ड कैफ़े है ल्हासा कैफ़े, जो कि इन्होंने डिज़ाइन किया है तिब्बतन कल्चर और तिब्बतन वाइब को ध्यान में रखते हुए। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पे तिब्बतन वाइब फील करने को मिलेगी, आपको यहाँ पे बेस्ट तिब्बतन फूड खाने को मिलेगा और यहाँ पे इवन आप बजट में खा सकते हो। सो ये मैं थर्ड पे आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको तिब्बतन फूड ट्राई करना है। फोर्थ कैफ़े है टीडी कैफ़े, और ये भी अपने तिब्बतन फूड के लिए बहुत फेमस है। और आपको यहाँ पे चाइनीज़ फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, और नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनका इंटीरियर, इनके सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इवन फूड वाइज, रेट वाइज, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो टीडी कैफ़े फॉर तिब्बतन एंड चाइनीज़ फूड। सो डोलमा रेस्टोरेंट, इट इज़ वेरी फेमस फॉर देयर मोमोज। सो अगर आपको मोमोज खाना है या नॉन वेज खाना है तो आप डोलमा रेस्टोरेंट जा सकते हो। तो सिक्स्थ कैफ़े है कालसंग हाउस, और ये अपने चाइनीज़, तिब्बतन, थाई फूड के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आपको तिब्बतन और चाइनीज़ फूड इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इवन आई एम अ वेजिटेरियन, बट यहाँ का नॉन वेज बहुत अच्छा है गाइस, मैंने बहुत सुना है। सो यू कैन ट्राई नॉन वेज देयर एज़ वेल। सो सेवेंथ कैफ़े है नॉर्वेन कैफ़े। सो ये अब हम आ गए हैं थीम्ड कैफ़े पे। तो अगर आपने ग्रीस देखा है सेंटोरिनी, तो ये पूरा सेंटोरिनी के ऊपर कैफ़े बनाया गया है, कोशिश करिए एटलीस्ट। सो ये है हमारा फर्स्ट थीम कैफ़े, और ये आपको ब्लू और वाइट की थीम में मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी। दे हैव पंटारिस एरिया एज़ वेल, तो आप यहाँ पे नीचे भी बैठ सकते हो। इवन इनका एक सीटिंग अरेंजमेंट है जो टेरेस पे है, वहाँ भी बैठ सकते हो। तो अगर कभी मौसम अच्छा है तो आप टेरेस पे भी बैठकर यहाँ का फूड और यहाँ की वाइब इंजॉय कर सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े इन दिल्ली। तो अगर आपको ग्रीस की वाइब लेनी है दिल्ली में तो आप यहाँ पे आ सकते हो और नॉर्वेन कैफ़े इंजॉय कर सकते हो। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड थीम कैफ़े पे, जिसका नाम है टूडी कैफ़े, एंड जो कि बहुत फेमस हो रखा है अभी। सो ये पूरा का पूरा टूडी थीम पे बनाया गया है। आपको हर एक चीज़, इवन प्लेट, स्पूनस, एवरीथिंग, वट एवर यू सी इन टूडी। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इवन द प्लेट इज़ वेरी
वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट. सो यू कैन हैव योर फूड विद दिस ब्यूटिफुल एम्बियंस एंड विद दिस ब्यूटिफुल व्यू. एंड यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है, सो यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. सो 9th कैफे, जिसका नाम है सारंग कैफे. सारंग का मतलब है आई लव यू. आपने कोरियन सीरीज में सुना होगा सारंगे. सो या तो सारंग कैफे अपने कॉर्न डॉग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. आप यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे होंगे वो सब के सब कॉर्न डॉग खाते हुए दिखेंगे. सो मैंने भी कॉर्न डॉग ही ऑर्डर किया एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. इट इज़ वेरी चीज़ी एंड वेरी नाइस. सो अगर आपको कॉर्न डॉग ट्राई करना है और आपने काफ़ी कोरियन सीरीज़ में देखा भी होगा, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस फॉर कॉर्न डॉग. सो 10th और लास्ट कैफ़े एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको लाफिंग एक्सप्रेस के बारे में बताना चाहती हूँ. अगर आप मजनू के टीला रहे हो और आपको लाफिंग ट्राई करनी है तो आप लाफिंग एक्सप्रेस से ही ट्राई करना. इट्स बेस्ट इन मजनू का टीला. सो या हाईली रिकमेंडेड अगर आपको लाफिंग खानी है तो. 10th कैफ़े है जिसका नाम है गंगनम, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोरियन रेस्टोरेंट है. अगर आपने कोरियन सीरीज़ देखी होगी तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कोरियन वाइब आएगी. दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स मिल जाएंगे. सो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी प्राइवेसी मिलेगी एंड यू कैन हैव फूड एंड चिल. आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स बने हुए हैं और बम्बूज का यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया गया है, तो आपको ऑथेंटिक कोरियन फूड यहाँ पे देखने को मिलेगा. आप यहाँ पे जैसे आप कोरियन सीरीज़ में देखते हो बिल्कुल वैसी सारी की सारी यहाँ पे डिशेस मिल जाएंगी आपको. पहले ये इतना बड़ा नहीं था बट अभी इन्होंने काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है एंड दे हैव दिस पार्ट एज वेल जहाँ पे आपको डिफरेंट सीटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कॉमनली लोगों के साथ बैठ कर खा सकते हैं. एंड यू कैन also wear this Korean कपड़े, जो I don't know इसको बोलते क्या हैं, but you can wear that as well. तो आप ये beautiful सा area देखिए, आप देख कर ही लग रहा है कि कितना प्यारा और कितना cute सा Korean cafe है ये. आपको यहाँ पे sakura tree भी देखने को मिलेगा. अगर आपने Korean series देखी है तो आपने ये tree ज़रूर देखा होगा. So I just love the ambience, I just love how it looks और जिस तरीके से उन्होंने design किया है, आई जस्ट लव एवरी थिंग. सो यू कैन ऑर्डर वॉट एवर यू वॉन्ट. तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी देखने को मिलती है. तो आप मजनू के टेले में कोई भी कुजीन ट्राई कर लो, बट अगर आपको डेजर्ट खाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आमा कैफे. अगेन यू विल गेट बेस्ट डेजर्ट इन मजनू का टेला इन आमा कैफे. सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.